सो अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर डीस्ट्रक्चरिंग की सहायता से प्रॉप्स में से जो भी हमें निकालना है वो निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, स्टेट और प्रॉप्स की बात करूँगा, उसी के साथ साथ कंस्ट्रक्टर की बात करूँगा। यार देखो, अगर आप लोगों को क्लास से दिक्कत हो रही है तो बिल्कुल भी आपको क्लास से दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यार हम क्लास को उतना एक्सटेंसिवली यूज़ कर ही नहीं रहे, हम इतना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इसमें इस्तेमाल कर ही नहीं रहे। अगर आपको डर लग रहा है इस एक्सटेंड्स कीवर्ड से, तो यार कुछ ऐसा समझ लो कि इसको सिर्फ एक बार लिखना है और उसके बाद कुछ मेथड्स हैं उनको पॉपुलेट करना है, दैट्स अबाउट इट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको ऊप्स नहीं आनी चाहिए या मत सीखना, मैं बस ये कह रहा हूँ कि यहां पर इतनी ज्यादा एक्सटेंसिव ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अभी अभी अपने न्यूज़ आइटम के अंदर एक तो हम लोग जो जो हमको प्रॉप्स चाहिए वो लेंगे। तो मुझे यहां पर एक इमेज यूआरएल भी चाहिए, ठीक है। तो मैं यहां पर सिर्फ यूआरएल लिखता हूं उसको इजी रखने के लिए, या मैं इमेज यूआरएल ही रख देता हूँ यार, हो सकता है मैं कोई दूसरा यूआरएल पास करूँ यहाँ पर। और मैं करूँगा क्या यहाँ पर, ये जो मैंने SRC इज इक्वल टू लिखा हुआ है इमेज का, इसको मैं सबसे पहले कंट्रोल एक्स करूँगा, यहाँ पर यूआरएल लिखूँगा, इनफैक्ट इमेज यू आर एल, मैंने यू को कैपिटल रखा हुआ है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो यू आर एल मैं पास कर रहा हूँ न्यूज़ डॉट जे एस में से, मैं यहाँ पर पास करूँगा यू आर एल इज इक्वल टू, अभी के लिए मैं ये वाला पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कुछ इस तरह से करूँगा, सेव करता हूँ, और आप लोग देखते हैं जो पहला वाला मेरा कंपोनेंट होगा न्यूज़ आइटम उसमें सिर्फ आना चाहिए यू आर एल। मैं इसको रिलोड करता हूँ, नहीं आ रहा है, देखता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने यहाँ पर यू आर एल इज इक्वल टू जो ठीक ठाक लिखा है न्यूज़ आइटम को दिया है ठीक ठाक यू आर एल। तो मैं अगर यहाँ पर न्यूज़ आइटम के अंदर आ जाऊँ तो यहाँ पर इमेज यू आर एल, इमेज यू आर एल सब कुछ ठीक दिख रहा है मुझे यहाँ पर, उसके बाद भी मेरा SRC के अंदर ये यू आर एल नहीं आ पा रहा है। सो लेट मी सी व्हाट द प्रॉब्लम इज़। तो मैं इंस्पेक्ट करके देखता हूँ शायद मुझे कोई एरर देखने को मिले, यहाँ पर कोई एरर नहीं है, इसको बंद करता हूँ। तो क्या दिक्कत आ रही है यार, ये यू आर एल क्यों नहीं आ रहा है। ओके, तो यहाँ पर मैंने इमेज यू आर एल यूज़ किया हुआ है, बट यहाँ पर मैं यू आर एल यूज़ कर रहा हूँ, देखो यार मैं भी तो अजीब से काम करता हूँ। इमेज यू आर एल अब आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला वाला जो हमारा न्यूज़ आइटम है उसमें यहाँ पर ये यू आर एल आ गया, ये टाइटल आ गया, ये डिस्क्रिप्शन आ गया, और यहाँ पर मैं रीड मोर लिख सकता हूँ, गेट समवेयर की जगह रीड मोर कर सकता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि न्यूज़ आइटम में आऊँगा, जो गो समवेयर लिखा हुआ है मैं लिखूँगा यहाँ पर रीड मोर, और उसी के साथ साथ आप लोग को बताना चाहूँगा कि एक BTN SM करके क्लास होती है बूटस्ट्रैप में। अब मुझे क्या रटी हुई है ये, क्या मैं याद करके बैठा हूँ, क्या किसी दिन मैं सुबह उठा और मैंने सारी क्लासेस याद कर ली, नहीं ऐसा नहीं हुआ। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये सारी क्लासेस यूज़ करी हैं जिसकी वजह से मुझे ये याद रहा। तो देखो बटन छोटा हो गया यहाँ पर, BTN SM मैंने जैसे यूज़ किया, मुझे थोड़ा छोटा ही बटन यहाँ पर चाहिए था। उसी के साथ साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि ये जो हमारा आइटम है न्यूज़ आइटम, ये थोड़ी सी दूरी बना के रखे ऊपर, तो इसको मैं MY3 दे सकता हूँ क्लासिक, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दूरी बना के रखेगा, और बाद में अगर मुझे यहाँ पर क्या हो रहा है क्लास नेम इज़ इक्वल टू, ओके, तो कभी भी मुझे इसमें से दूरी कम ज़्यादा करनी होगी तो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो एक कार्ड हमने यूज़ किया है इसके अंदर, दैट सेट, मैं सेव करूँगा इसको, और यहाँ पर मैंने टाइटल डिस्क्रिप्शन और इमेज यूआरएल इसको दे दिया। क्या कोई और ऐसी चीज़ है जो मैं इसको पास करना चाहूँगा, नहीं यार मैं इसको और कोई चीज़ पास नहीं करना चाहूँगा, वो या फिर करना चाहूँगा, शायद मैं करना चाहूँगा एक चीज़ ऐसी जो कि इस यूआरएल को पॉपुलेट करेगी, बट उसको हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए बाद में देखेंगे। अभी मैं बात करना चाहूँगा कंस्ट्रक्टर की। कभी भी हम लोग जावास्क्रिप्ट में क्लास बनाते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्टर का मैं जैसे ही इस्तेमाल करूंगा और सेव करूंगा और यहाँ पर आप लोगों को लेकर आऊँगा, तो देखो यहाँ पर एक एरर दे रहा है। मैंने सिर्फ कंस्ट्रक्टर की बॉडी लिखी, इनफैक्ट बॉडी भी नहीं लिखी, कंस्ट्रक्टर का मुखड़ा लिखा सिर्फ, उसके बाद एक एरर मिल गया। तो कुल मिलाकर ये मुझसे ये कह रहा है कि कभी भी आपको कंस्ट्रक्टर लिखना हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सुपर को कुछ इस तरह से कॉल करना है, यानी कि सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है, वरना ये आपको एरर थ्रो करेगा। तो ये चीज़ आपको हमेशा लिखना है। आप कंस्ट्रक्टर तब रन करता है जब भी इस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है, टेक्निकली अगर मैं कंस्ट्रक्टर की बात करूँ तो। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखता हूँ, वैसे मैं रिएक्ट लाइफ साइकिल की पूरी बात करूँगा, सारी लाइफ साइकिल मेथड्स की बात करूँगा, अभी मैं बस आप लोगों को हेलो आई एम अ कंस्ट्रक्टर लिख कर दिखा रहा हूँ। अगर मैं कुछ इस तरह से लिख दूँ और आप लोगों को फिर कंसोल दिखाऊँ, तो आप लोग भी यहाँ पर देखोगे ये क्या एरर आ रहा है। ये कह रहा है कि मस्ट कॉल सुपर इन डिराइव क्लास यूजिंग दिस। तो मैं इसको रिलोड करता हूँ, देखता हूँ क्या एरर आ रहा है, नहीं एरर नहीं आ रहा है। तो मैं इसको जैसे ही रिलोड करूँगा, आप लोग देखो हेलो आई एम अ कंस्ट्रक्टर 3 बार रन हुआ। 3 बार क्यों रन हुआ, क्योंकि कंस्ट्रक्टर ये न्यूज़ आइटम का है, ठीक है। तो 3 न्यूज़ आइटम्स हैं ना, तीनों के लिए एक एक बार रन हुआ ये कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो ये तो कंस्ट्रक्टर वाली बात हो गई। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि इस कार्ड की जो स्टेट है उसको यहीं से सेट कर सकता हूँ, ठीक है। वैसे मुझे इसकी स्टेट सेट करने का कोई वो नहीं है, बट मैं यहाँ से सेट कर सकता हूँ। तो ये जस्ट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा था। मैं इसको कंट्रोल एक्स करूँगा अभी यहाँ से, और इस कंस्ट्रक्टर को लेकर जाऊँगा अपने
न्यूज़ कंपोनेंट के अंदर, क्योंकि न्यूज़ कंपोनेंट हमारा एक ऐसा कंपोनेंट है जहाँ पर हम लोग अपनी HTTP कॉल्स मारेंगे और वहाँ से सारी की सारी न्यूज़ लेकर आएंगे। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही कंस्ट्रक्टर रन करेगा मैं कहूँगा कि हेलो आई एम अ कंस्ट्रक्टर फ्रॉम न्यूज़ कंपोनेंट, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, लिखूँगा दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू, एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगा और मैं क्या करूँगा दिस डॉट स्टेट को सेट कर दूँगा इक्वल टू द सैम्पल आउटपुट जेसन। तो मेरी स्टेट में आर्टिकल्स होंगे, मेरी स्टेट में टोटल रिजल्ट्स होंगे, मेरी स्टेट में स्टेटस होगा, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर ले आता हूँ, ठीक है। तो मैं कुछ ऐसा करूँगा और आप लोग देखो, मैं जैसे ही ऐसा करूँगा और सेव करूँगा तो ये मेरे स्टेट का पार्ट बन चुके हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल्स मेरी स्टेट का पार्ट बन चुके हैं। इनफैक्ट मैं काम करता हूँ, कंट्रोल जेड करता हूँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पर स्टेट के अंदर पूरी की पूरी जैसा नहीं डालना चाहता, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँगा, मैं लिखूँगा आर्टिकल्स, ठीक है, और आर्टिकल्स को एक एरे बनाऊँगा और मैं यहीं से लेकर आऊँगा। तो ये जो आर्टिकल्स वाला एरे है मेरा, मैं सिर्फ इसको कॉपी करूँगा और मैं इसको यहाँ पर ला के रख दूँगा, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल्स हैं इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, मैंने यहाँ पर आर्टिकल्स को एक एरे बना दिया, मैंने कहा आर्टिकल्स इज इक्वल टू दिस एरे, ठीक है। आर्टिकल एक एरे है, कोई भी एरर तो नहीं मिल रहा है, नहीं हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो मैं रिलोड करूँगा अगर यहाँ पर, तो आप देखो हेलो आई एम अ कंस्ट्रक्टर फ्रॉम न्यूज़ कंपोनेंट, सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो आर्टिकल्स एक वेरिएबल है जिसको मैं एक्सेस कर सकता हूँ दिस डॉट आर्टिकल्स करके, ठीक है। कहाँ पर कर सकता हूँ एक्सेस, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ कंस्ट्रक्टर में। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, लिखूँगा आर्टिकल्स है एक तो मेरी स्टेट में दिस डॉट आर्टिकल्स, ठीक है, एंड दैट्स इट, सिर्फ इतनी ही मेरी स्टेट है, ठीक है। तो दिस डॉट स्टेट आर्टिकल्स दिस डॉट स्टेट, ठीक है। अगर मैं आप लोगों को अभी रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन पर लेकर जाऊँ react.js.org में, और यहाँ पर मैं आप लोगों को लेकर जाऊँ डॉक्स में, और मैं इनफैक्ट सर्च करूँगा गूगल पर ही react.js क्लास कंपोनेंट स्टेट, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि रिएक्ट की जो स्टेट है वो किस तरह से आप लोग स्टेट सेट कर सकते हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन में होगा, डॉक्यूमेंटेशन की बात ही ये होती है कि थोड़ा सी कॉम्प्रिहेंसिव होती है। देखो कंस्ट्रक्टर के अंदर इन्होंने ये दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू डेट किया हुआ है, देख रहे हो आप लोग किस तरह से इन्होंने यहाँ पर दिस डॉट स्टेट को ऐसे किया हुआ है। तो दिस डॉट स्टेट इज इक्वल टू इस तरह से इन्होंने ये किया हुआ है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है स्टेट को सेट कर सकते हो। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोलना चाहूँगा, कभी भी दिस डॉट स्टेट को डायरेक्टली आप सेट मत करो। हमने देखा था कि जब हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे हुक्स को, तब भी हम लोग वहाँ पर क्या करते थे, यूज स्टेट हुक में जो मेथड होता था उसको यूज़ करके स्टेट अपडेट करते थे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस डॉट सेट स्टेट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखो दिस डॉट सेट स्टेट करके स्टेट सेट की जा रही है, और जो जो सेट करना चाहते हो आप, जो जो सी स्टेट वो आप सेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी स्टेट में अभी आर्टिकल्स हैं, मे बी मेरी स्टेट में लोडिंग इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स हो सकता है। मैं एक काम करता हूँ, एक लोडिंग भी डाल देता हूँ अपनी स्टेट में, मैं अभी के लिए उसको फॉल्स कर देता हूँ। तो जब भी कोई चीज़ लोड हो रही होगी तो मैं उसको ट्रू कर दूंगा ताकि मैं कोई स्पिनर वगैरह दिखा सकूं, और उसके बाद मैं वापस से उसको फॉल्स कर दूंगा जब सारा डेटा लोड हो जाएगा। तो इस तरह के काम आप लोग कर सकते हो स्टेट की सहायता से। तो हमने देखा कि दिस डॉट स्टेट की सहायता से कंस्ट्रक्टर के अंदर आप कैसे स्टेट को सेट कर सकते हो, और आप लोग स्टेट को प्रॉप्स की सहायता से भी सेट कर सकते हो दिस डॉट प्रॉप्स करके। अब हमने दिस डॉट प्रॉप्स ऑलरेडी यहाँ पर देख लिया, और मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं है टाइटल और डिस्क्रिप्शन को एक स्टेट बनाने का, क्योंकि मैं इसको डायनेमिकली चेंज नहीं करूँगा, ठीक है। तो स्टेट आप तब इस्तेमाल करते हो जब आप उसको चेंज करो, जब आप उसको चेंज करो बार 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 बार, और आप चाहो कि आपकी स्क्रीन पर वो वेरिएबल चेंज होता हुआ दिखे बिना पेज को रिलोड करे, ठीक है। तो ना ही तो मैं इस टाइटल को कभी चेंज करूँगा, मतलब कि एक पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम कंपोनेंट के लिए ना ही तो मैं टाइटल को चेंज करूँगा, ना ही इसके डिस्क्रिप्शन को चेंज करूँगा। तो मैं इसको एज अ स्टेट सेट नहीं करूँगा, इसको एज अ प्रॉप पास करके वैसे के वैसे ही रहने दूंगा। प्रॉप्स चेंज नहीं कर सकते आप। अगर आपको कभी भी प्रॉप्स पास करके स्टेट सेट करनी है तो आप स्टेट सेट कर सकते हो और उसके बाद स्टेट को चेंज कर सकते हो, प्रॉप्स को चेंज नहीं कर सकते आप लोग डायरेक्टली। प्रॉप्स आर रीड ओनली, हमने देखी थी बात। तो चलो यार ये सब तो हमको समझ में आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सारे के सारे आर्टिकल्स को डिस्प्ले कराएंगे और ये देखेंगे कि कैसे इनको डिस्प्ले कराया जा सकता है। तो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग ये न्यूज़ के अंदर ये जो सारी की सारी न्यूज़ है, यानी कि ये जो आर्टिकल्स वाला एरे है जिसको हमने अपनी स्टेट का पार्ट बना दिया है, किस तरह से हम इन आर्टिकल्स को आइट्रेट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले करा सकते हैं। और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से जब भी यूज़र नेक्स्ट पर क्लिक करे या मे बी स्क्रॉल करे नीचे को, तो किस तरह से इन आर्टिकल्स एरे में और आर्टिकल्स अपेंड करके इनको पॉपुलेट किया जा सके, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे आने वाले टाइम में, आने वाले वीडियोस में, ठीक है। और लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स मैंने लिखा हुआ है, एक स्पिनर भी मैं लगाना चाहूँगा, बट अभी के लिए ना मैं एक चीज़ और करना चाहता हूँ। और मैं क्या करूँगा कि जैसे कि आप लोग को यहाँ पर मालूम है कि मैंने यहाँ पर
एक एच आर एफ इज इक्वल टू न्यूज़ डिटेल बनाया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि न्यूज़ डिटेल स्लैश करके मैं आप लोग को यहाँ पर बताता हूँ कि मेरा पर्पस क्या है। मैं यहाँ पर एक आईडी सेंड करना चाहता हूँ, न्यूज़ आईडी। न्यूज़ आईडी क्या होगी, यूनिकली डिफाइन करेगी न्यूज़ को। आई एम श्योर कि इन्होंने कुछ ना कुछ एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया होगा सैम्पल आउटपुट में। जैसे कि अगर हम आर्टिकल्स को खोलें तो सोर्स है, तो देखो यहाँ पर आईडी और नेम है, बट इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अगर कोई चीज़ मुझे यहाँ पर दिखे तो वो यूआरएल टू इमेज है। तो मैं यूआरएल से यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, किस चीज़ को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इस पर्टिकुलर न्यूज़ को। तो कभी मुझे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यानी कि इस पर्टिकुलर न्यूज़ को अगर रेफ़र करना है तो मैं इस यू आर एल का इस्तेमाल कर सकता हूँ। यू आर एल हमेशा यूनिक होने वाला है हर न्यूज़ का, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे इस बात की समझ रखनी है। और मैं फिर क्या करूँगा कि एक न्यूज़ डिटेल कंपोनेंट बनाकर ये सारा का सारा डेटा एक बहुत ही अच्छी तरह से एक प्रिसाइज फॉर्म में दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि जो यू आर एल है उसको भी पास करूँगा, और यू आर एल टू इमेज तो मैं पास कर ही रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था ना कि एक दूसरा यू आर एल भी मैं पास कर सकता हूँ, तो मैं न्यूज़ यू आर एल लिखूँगा। इसको न्यूज़ आई डी नहीं, मैं इसको न्यूज़ यू आर एल कर दूँगा ताकि मैं न्यूज़ का जो यू आर एल है वो पास कर सकूँ। तो न्यूज़ यू आर एल को मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो मैं काम करता हूँ अभी के लिए न्यूज़ यू आर एल को एच आर एफ की जगह पर, या फिर एक काम करता हूँ, मैं अभी इसको यूज़ ही नहीं करता हूँ, ठीक है। मैंने इसको ले तो लिया है अपने प्रॉप से, बट मैं इसको यूज़ नहीं करूँगा। और न्यूज़ यू आर एल को मैं पास करूँगा अपने न्यूज़ डॉट जे एस वाले कंपोनेंट से। तो मैं अभी के लिए क्या करूँगा, न्यूज़ यू आर एल इज इक्वल टू मैं लिख दूंगा टू डू। टू डू का मतलब मुझे करना है इस पर काम अभी। अभी के लिए मैं इसको न्यूज़ यू आर एल इज इक्वल टू डू कर दूंगा। अब एक चीज़ और आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो न्यूज़ आइटम है ये वाला और न्यूज़ आइटम है ये वाला, इसके अंदर हमने जो इमेज का यू आर एल है वो नहीं भेजा है, ठीक है। तो इमेज यू आर एल मैंने इसका नहीं भेजा है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये दो न्यूज़ इसलिए दिख रहे हैं। मैं कंट्रोल शिफ्ट रिलोड करूँगा तो देखो यहाँ पर ये दोनों यू आर एल जो है कैश हो रखे थे, तो उसकी वजह से ये दिख रहे थे, अभी ये नहीं है यहाँ पर। तो ब्राउज़र क्या करता है आपका, अगर कुछ भी कुछ ना इस तरह का कुछ दिखाने से अच्छा वो पुरानी कैश्ड इमेज दिखा देता है, ठीक है। तो अच्छा करता है ब्राउज़र तो, बट कभी भी आपको ऐसे चेंजेस देखने हैं जो कि लेटेस्ट हो, कंट्रोल शिफ्ट आर कर लिया करो, कैश वैश सब क्लियर हो जाएगी। सी एस एच वाला कैश नहीं है ये वाला कैश है, ठीक है। तो कैचे भी बोलते हैं लोग इसको देसी भाषा में, ठीक है, कुछ भी बोल लो, ठीक है, बट कैश बोलते हैं, ठीक है, कैश। तो कैश भी क्लियर अगर आपने कर ली उसके बाद भी आपको इमेज नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब कि आपने यहाँ पर जो है उसको पास नहीं किया। तो हम इमेज यू आर एल को पास करेंगे, इनफैक्ट हम एक लूप लिखेंगे, लूप के थ्रू हम लोग इन सारे के सारे आर्टिकल्स को आइट्रेट करेंगे और एक एक करके सारी इमेज को दिखाएंगे। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया अभी तक हमने जो जो कॉन्सेप्ट सीखे। दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट सेट स्टेट अभी तक हमने नहीं कराया, वो हम देखेंगे आगे, बट आई होप कि आपको दिस डॉट स्टेट, दिस डॉट प्रॉप्स कैसे यूज़ करना है समझ में आ गया। आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको आइट्रेट करके अपनी न्यूज़ ऐप के अंदर डिस्प्ले कराएंगे। सो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।